ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। क्या चतुर सिंह का खून? ओ खुदाया, ओरे बाबा, दादा का खून हो गया? किसने किया खून? अरे छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो चिंता यह है कि शहर का क्या होगा, हम सबका क्या होगा। बहस मत करो कमिश्नर, जो आदमी चतुर सिंह जैसे खतरनाक आदमी की चिता जला सकता है वो तो हमको कभी भी शमशान घाट पहुंचा सकता है। मगर ऐसा हरगिज नहीं होगा सर। सुनो सुनो कमिश्नर, कल टीवी सेंटर में जनता की अदालत प्रोग्राम में हम सब लोगों का इंटरव्यू है, ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए वहां पर कि परिंदा भी पर ना मार सके, समझे? कादर, तू इधर है ना? यस सर। पांडो, जरा पीछे रहे। आज जनता की अदालत में जनता के सामने जनता के प्रतिनिधि मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, कानून के रक्षक इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, न्यायमूर्ति श्री हुकम अली जाबिर तथा इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर मिस्टर योगराज अपराधी के रूप में यहाँ मौजूद हैं। इन सब पर यह आरोप लगाया गया है कि शहर में जो हाल ही में दंगे फसाद हुए हैं, जो हत्याएं हुई थी, वो सब इनकी मिलीभगत थी। क्या ये सच है देशमुख जी? लोग आजकल राजनीति को, कानून को और पुलिस को गांधी जी के तीन बंदर कहते हैं। वो बंदर जिनके सामने सब कुछ होते हुए भी न कुछ सुनते हैं, न देखते हैं और न कुछ कहते हैं। देखिए साहब, हमारे यहां लोकशाही है और लोकशाही में हर किसी को कुछ भी पूछने का और कहने का पूरा अधिकार होता है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर ऐसा होता तो दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे राज्य में चारों ओर इतनी शांति कभी नहीं होती। अगर चारों ओर शांति होती तो पिछले दिनों हमारे शहर में जो दंगे हुए वो क्यों होते? साहब ये सब विदेशी ताकतों का हाथ है, क्या करें। देखिए मंत्री जी, जब भी देश में कोई विपत्ति आती है तो हर मंत्री का आप ही जैसा जवाब होता है कि इसमें विदेशी ताकत का हाथ है। अब पिछले दिनों जो भूकंप हुआ था, कि इसमें भी विदेशी ताकत का हाथ था? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज मेंटेन द साइलेंस। पर लोग तो कहते हैं कि इस विपत्ति में आपके साथ विपक्ष के नेता चंद्रसेन जी का भी हाथ था और पांव भी था। जी ये सब बकवास है, इसको हम नहीं मानता है। अरे हमारा पक्ष का सिद्धांत अलग है, इसका पक्ष का सिद्धांत अलग है। हम लोग अलग अलग दल में रह के एक काम कैसा कर सकता है? ये सब गुंडा लोग का काम है, बात करता है। चंद्रसेन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये तो पुलिस को बिना मतलब बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये तो आप कहते हैं, पर लोग तो कहते हैं कि जब दंगे भड़के तब दंगे वाली किसी भी जगह पर पुलिस सही वक्त पर नहीं पहुंची थी। अरे यही तो अपनी पुलिस की असली निशानी है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद पुलिस आती है। यही तो रोना है कि लोग हमें गलत समझते हैं, हमारी योजनाएं लोगों की समझ में नहीं आती। अब आप ही बताइए, झोपड़ पट्टी की जगह साफ सुथरी कॉलोनी बने, टूटे फूटे गांव की जगह राहगीरों के लिए रिसोर्ट बने, इसमें देश की तरक्की नहीं है, बोलिए। पर लोग तो कहते हैं इसमें आपकी तरक्की ज्यादा होती है, सारा धन आप सब लोग मिलकर बटोर लेते हैं और डकार तक नहीं लेते। नेताजी और पुलिस वाले ने तो अपनी सफाई पेश कर दी, अब जज साहब आप और योगराज जी अपनी सफाई में कुछ पेश करना चाहेंगे? ऐसे मामलों में लोग अगर कानून के रखवालों पर शक करने लगे तो फिर सफाई में कुछ कहना क्या। देखिए हम ठहरे व्यापारी लोग, हम अपने धंधे में गुंडों का साथ नहीं लेते। गुंडों का साथ आजकल कौन नहीं लेता योगराज जी, अब तो माफिया वाले भी राजनीति में उतर आए हैं और आजकल नेता लोग भी अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही चुने जाते हैं। क्यों देशमुख जी, आप तो नेता बनने से पहले दमन से चांदी की स्मगलिंग क्या करते थे? देखिए देखिए, ये मुझ पर झूठा बेकार का इल्जाम लगाया गया है। नहीं नहीं, आप स्मगलिंग करते थे या नहीं करते थे बस? वैसे मैं भी इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हर बड़े नेता को बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं। क्यों चंद्रसेन जी? एकदम सच बोलता है। आपके हर सवाल का मैं एक ही जवाब दूंगा कि अगर जनता की नजर में हम गुनहगार हैं तो फिर जनता खामोश क्यों है, बोलिए।
क्यों हमें पिछले 15 साल से इस राज्य में चुनाव जिता रही है। जैसा हम पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। हमारी सफाई में मेरा यही जवाब है। अब फैसला आपके और जनता के हाथ में है, सुनाइए। अरे असली अदालत आज तक हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुना सकी, तो ये जनता की अदालत क्या खास सुनाएगी? देशमुख तुम कभी कभी सच बोलता है। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्या कहना, जो करना था कर दिया, जो किया वो सोच समझ कर किया। अब कहना आपको है, फैसला सुना दीजिए, मुझे मंजूर है। कुछ होता नहीं है, कुछ होता तो नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर ऑर्डर। आज न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सिंह ने अदालत में मंत्री श्री बबन राव देशमुख, विपक्ष के नेता श्री चंद्रसेन आजाद, न्यायमूर्ति श्री हुकम अली जाबिर, इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, प्रख्यात बिल्डर योगराज और कुख्यात सरगना चतुर सिंह चिता के कातिल प्रताप नारायण तिलक को फांसी की सजा सुनाई। जिंदा आदमी के खून के इल्जाम में फांसी की सजा। देखा पकिया, हमें तो माता के आशीर्वाद और बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा लिया, मगर वो हराम का कानून की मौत नहीं, चतुर सिंह चिता की दी हुई मौत से मरेगा। पता करो कौन से जेल में है। प्रताप, तुम्हारी फांसी का दिन मुकर्रर हो गया है, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, वो भी पूरी कर दी जाएगी। यहां ऐसे घुटन सी होती है, मैं इन चार दीवारियों में मरना नहीं चाहता। मुझे वहीं फांसी दे दो क्रांति मैदान में, सबके सामने, जहां से इस देश में क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहां ऐसे मरो तो जरा ज्यादा मरो, इतना सा मरने से क्या फायदा। सर, प्रताप से कोई मिलने आया है, मिलने दो। रोका है को रही तू? नहीं रे, ये तो खुशी के आंसू है। सोचा था जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी, लेकिन तेरे बारे में अखबार में पढ़ा, तू रह नहीं गया मुझसे और मैं चली आई अपने बेटे के पास। कैसा है रे तू बेटा? आज तूने तिलक खानदान के नाम पर सचमुच यश का तिलक लगा दिया। मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुझे जन्मों जन्म मेरा ही बेटा बना कर। नहीं माँ, अगले जन्म में किसी मंदिर या मस्जिद की ईंट बनकर जिंदगी भर वहां रोता रहूंगा। इस जिंदगी का रोना मेरा बाकी है। दुख सिर्फ इस बात का है मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं सका। नहीं बेटा, मैंने बहुत कुछ किया, मुझे सब कुछ मिल गया, तेरे दादाजी की आत्मा को भी शांति मिल गई। बस अफसोस एक ही बात का रहेगा,
कि तिलक खानदान का दिया जलाने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। ये देख, अपनी बहू के लिए रखे थे लेकिन अब तो माँ, ये कलम वाली बाई मेघा लिखती है, एक दिन के लिए हमारे खानदान की बहू बनेगी, सोच ले। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बार आएगी, आंखें बार आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुजदिली, एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है, पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान, इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े, रेंगते रहो, सटते रहो और मरो, आए और गए, खेल खत्म, क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली भाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को, सब साले मुर्दे जिंदा लाशे, किसे जगाती वो। मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है, लेकिन ध्यान में रखना तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया, एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था, भाड़ में। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा, एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते और हमारे देश को तोड़ने का सपना देखते हैं, वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है, वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका, एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था स्कूल में तीसरी में, मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको, क्यों समझा रहा हूं, पागल हूं मैं, भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से। हंसो हंसो, खुशियां मनाओ, क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या है? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला। ये फांसी नहीं हो सकती, वो
उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं उसे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है, इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी। ये रहे उसके कागजात। लाशों के ढेर बिछा दूंगा अगर हमारे बीच में आए तो।